कोरोना वायरस फैलने के पेश नज़र तुर्क पार्लियामेंट में कैदियों की रिहाई का कानून पास कर लिया गया है। इब्तदाई तौर पर 45,000 कैदियों को मुल्क की मुख्तलिफ जेलों से रिहा किया जाएगा। जेलों में कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नज़र तुर्की की पार्लियामेंट ने कैदियों की रिहाई का कानून पास किया है, जिसके तहत मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में सजा भुगत रहे कैदियों को मरहला बार रिहा किया जाएगा। कानून में कैदियों की मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई गई हैं। इब्तदाई तौर पर 45,000 कैदियों को रिहा किया जाएगा, जिनमें हमला खातीन और उम्र रसीदा अफराद शामिल हैं जिन्हें तिबी इमदाद की जरूरत है। तुर्क मीडिया के मुताबिक कानून से फायदा उठाने वालों की तादाद 90,000 हो सकती है, ताहम इनमें दहशतगर्द, जिनसी ज्यादती, कत्ल और मनशियात के मुजरिम शामिल नहीं है, जिन्हें तुर्की के मुतनाजिया इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के मुताबिक सजाएं सुनाई गई हैं। तुर्की में 61,000 से जायद कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि जान बहक होने वालों की तादाद 1200 से तजावज कर गई है। तुर्की के मुख्तलिफ जेलों में 3 कैदी कोरोना वायरस के सबब जान की बाजी हार चुके हैं, जिसके सबब कैदियों की रिहाई का कानून लाया गया है।